वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक फ्रॉम योर ए वी एस वन टेक्स बुक एंड द टॉपिक इज वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड सी कैन यू रिकॉल वॉट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच वी नीड वॉटर इसमें ये बताया गया स्टूडेंट्स तो कौन कौन सी नीड के लिए कौन कौन सी जरूरत के लिए हमें रोज वाटर चाहिए तो ये आपको पूछा गया है ओके okay? तो जैसे कि हम ड्रिंकिंग के लिए वाटर पीते हैं और उसके बाद अदर कौन से पर्पसेस हैं जिसके लिए हम वाटर को यूज करते हैं तो बाथिंग है कुकिंग है और क्लॉथ को हम वॉश करते हैं तो इसके लिए भी हमें वाटर चाहिए टेल द पिक्चर बिलो शो समेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम हमें अगर वाटर की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स वाटर को भर कर रखते हैं ओके okay? और पूरा दिन हमें जिस काम के लिए वाटर चाहिए तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं विच ऑफ़ दिस हैव कम इन टू यूज़ मोर रिसेंटली तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कई सारे कंटेनर्स के पिक्चर्स दिख रहे हैं ओके okay? तो इस टाइप के कंटेनर्स हम क्या करते हैं घर पर यूज़ करते हैं वाटर को स्टोर करके रखने के लिए तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको देखना है और एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर देना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ़ दीज हैम इन टू यूज़ मोर रिसेंटली अभी के टाइम में हम लोग कौन से कंटेनर्स को यूज़ करते हैं आपको ऐसे कंटेनर्स घर में भी स्टूडेंट्स देखो आपको दिखाई देते हैं तो आपके घर में कौन से कंटेनर्स हैं तो ये आपको देखना है ओके okay? तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग रिसेंटली क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक का टैंक बना होता है या फिर इस टाइप के जो फिल्टर आते हैं तो इसे हम यूज़ करते हैं और कई घरों में स्टूडेंट्स इस टाइप के कंटेनर्स भी हमें दिखते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए ओके सेकंड पॉइंट इज़ व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू मेक दिस डिफरेंट कंटेनर्स और ये जो कंटेनर्स हमें दिख रहे हैं तो ये कौन सी चीज़ों से बने हैं और कौन से मटेरियल्स से बने हैं तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि कई डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं ओके okay? और ये जो कंटेनर्स हैं तो ये मिट्टी से बने हैं अगर स्टूडेंट्स हम फिल्टर की बात करते हैं तो ये प्लास्टिक से बना है और यहाँ पर जो टैंक हमें दिख रहा है और ये दो कंटेनर्स हैं तो ये कॉपर और स्टील के दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो मटेरियल्स यूज किया गया है तो ये कंटेनर बनाने के लिए कैसे हैं डिफरेंट हैं ओके थर्ड पॉइंट इज वाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग लीड एंड अ टैप ऑन द कंटेनर और ये जो कंटेनर्स दिए हुए हैं तो इनके ऊपर स्टूडेंट्स हमें ये लीड दिख रहे हैं ओके okay? तो इसका हमें यूज क्या है और इसका एडवांटेजेस हमारे लिए क्या हो सकता है तो ये हमें देखना है we need water all the time we have to store water in the house so that we can get it when we need it earlier brass and copper पॉट्स एज वेल एज अर्थन पॉट्स वर यूज टू स्टोर वाटर आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दिस डिफरेंट पॉट्स वेर नोन पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक इन देर हाउसेस टू स्टोर वाटर नाउ अडीज स्टील और प्लास्टिक इज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि वाटर की हर वक्त हमें ज़रूरत होती है ओके पीने के लिए और अदर पर्पसेस के लिए भी अगर हम घर में वाटर को स्टोर करके रखते हैं तो उसे हम दिन भर में कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं और पहले के दिनों में स्टूडेंट्स लोग क्या करते थे ब्रास एंड कॉपर पॉट्स और उसके बाद अर्थन पॉट्स मैंस मिट्टी में के बर्तन और ब्रास एंड कॉपर पॉट्स मैंस पीतल और तांबा जो होते हैं तो उससे बने हुए बर्तन यूज़ करते थे ओके okay? और अर्थन पॉट्स मीन्स मिट्टी के बने हुए पॉट्स को क्या करते थे वाटर को स्टोर करके मीन्स जमा करके भर के रखने के लिए यूज़ करते थे ये पॉट्स को ओके okay? और आप क्या कर सकते हो घर में आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हो इस तरीके की ब्रास एंड कॉपर पॉट्स और अर्थन पॉट्स को उन्होंने देखे हैं या फिर उनके नेम आप उनसे पूछ सकते हो बट आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं इस तरह के टैंक्स बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए और आज के दिनों में लोग क्या करते हैं सबसे ज़्यादा स्टील या फिर प्लास्टिक से बने हुए कंटेनर को यूज़ करते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं आपने अपने घर में भी इस तरह का प्लास्टिक का टैंक देखा होगा ओके okay? कि इस तरह से ये प्लास्टिक का टैंक लगा रहता है घर में तो हम दिन भर में वाटर को यूज़ कर सकते हैं और आज के दिनों में हमें ऐसे स्टील के कंटेनर भी दिखाई देते हैं ओके केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू इंश्योर गुड हाइजीन वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर इफ वी कंज्यूम कॉन्टोमिनेटेड वाटर इट कैन काउस डिसीज That is why we take special care of the water we store for drinking and cooking. हमारी hygiene के लिए हमारी अच्छी health के लिए हम जो students water पीते हैं तो वो कैसे होना चाहिए safe होना बहुत ज़रूरी होता है ओके okay? और जो खराब वाटर है जैसे कि कोई भी चीज़ उसमें मिल जाती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसमें में मिक्स हैं तो वो वाटर कैसे होता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है ओके okay? और अगर हम इस तरीके का खराब वाटर पीते हैं तो हमें डिसीज भी हो सकते हैं और हम ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स उसको हमें अच्छे से सेफ है कि नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी होता है ओके वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबेज फ्रॉम एंट्रिंग द वाटर If we dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water. So we use a dipper to take the water and we replace the lid at once. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि हम जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कंटेनर्स यूज़ करते हैं इस टाइप के तो हमें इन्हें कवर करना है किसी भी लेड से लेड उस पर रखना है ओके okay? अगर हमने यहाँ पर कंटेनर के ऊपर लेड रखा है तो इससे क्या होगा कोई भी डस्ट या रबिश उसके अंदर नहीं जाएगा और अगर हम अपने हैंड से वाटर निकाल रहे हैं इस स्पोर्ट से तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चांसेस क्या हो सकते हैं अगर हमारा हैंड पानी में डूब रहा है तो क्या होगा कोई भी डस्ट लगा हुआ है कोई भी गंदगी लगी हुई है तो वो वाटर के साथ में वो पानी के साथ में मिक्स हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिपर से इस पिक्चर में देखो आपको दिखाई देगा कि ये डिपर है ओके जिससे स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं वाटर को निकाल सकते हैं और एक ही टाइम में हमें क्या करना होगा कि लीड को बाहर निकालना है और फिर से डिपर से वाटर निकालना है और फिर ग्लास में लेना है ओके बट द बेस्ट मैथड ऑफ टेकिंग वाटर इज टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर दिस वे इट बिकम्स इजियर टू टेक द वॉटर एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कॉन्टेमिनेशन बट सबसे बेस्ट मैथड क्या है सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्टूडेंट्स के जिस कंटेनर में टैप होता है पिक्चर में भी देखो आपको दिख रहा है ये जो पॉट है तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स हमें टैप दिखाई दे रहा है तो अगर आप ऐसे कंटेनर यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है तो इससे हम इजीली वाटर निकाल सकते हैं और कोई कॉन्टेमिनेशन भी नहीं होगा बिकॉज़ हमारा हैंड अंदर नहीं जा रहा है ओके व्हेन द वॉटर इन अ कंटेनर इज फिनिश्ड वी वॉश द कंटेनर वेल बिफोर रिफिलिंग इट इफ वी टेक सच केयर ड्रिंकिंग वाटर रिमेन्स क्लीन अगर हम एक बार में पूरा वाटर यूज कर लेते हैं और कंटेनर का पूरा वाटर फिनिश हो गया है तो हमें क्या करना है उस कंटेनर को अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद हम फिर से उसे भर सकती हैं अगर हम इस तरीके से केयर करते हैं तो हमारा वाटर जो है तो वो क्लीन रहेगा हम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं तो वो भी क्लीन रहेगा ओके आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुड बाय